रही हूँ फटाफट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैरी अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है 14 मार्च और 15 मार्च को होती है हमारी एनिवर्सरी। सो मुझे अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देना है आज, उनको कुछ भी नहीं पता। तो मुझे अभी बाहर जाना है, डेकोर की कुछ चीज़ें लेके आनी है। तो अभी बाहर चलते हैं, डेकोर की कुछ चीज़ें लेते हैं, वो लेके घर आएंगे और फिर मैं सारा डेकोर करूँगी और वो भी आपको दिखाऊँगी कि कैसा डेकोर हुआ है। और इर्तज़ा ने तो यहाँ पे मुझे खूब तंग किया हुआ है ना इर्तज़ा? तो चलें चलते हैं और मार्केट में जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है डेकोर के लिए और क्या नहीं मिलता। मैं यहाँ पर हस्बैंड के लिए एनिवर्सरी सरप्राइज़ है करना है, कैंडल्स ली हैं, बेलून्स वगैरह लेती हूँ यहाँ से और फिर कुछ डेकोरेशन का सामान लेते हैं और फिर घर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। मैं ले आई हूँ सामान सारा और अभी बस थोड़ी देर तक डेकोरेशन स्टार्ट करती हूँ। हस्बैंड तो आएंगे थोड़ा लेट, तो तब मेरे पास आज काफ़ी टाइम है, नहीं तो वैसे तो 10 बजे आ जाते हैं, लेकिन आज कह रहे थे कि मैं शायद 1 बजे तक आऊँ, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। तो मेरे पास तो काफ़ी टाइम है सरप्राइज़ करने के लिए प्लान, तो बस अभी स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। 2 hours later 2 घंटे की मेहनत के बाद ये रहा मैंने जो डेकोर किया है उसका फाइनल लुक। ये भी कैंडल जलानी है और यहाँ पे अभी केक भी आएगा, अभी टेडी बियर रखना है मुझे यहाँ पे। ये है आज का मेरा आउटफिट, ब्लैक एंड रेड, और वो स्ट्रोलर पड़ा हुआ है मेरा। और मैं बस अभी रेडी होके फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जी गाइस, तो मैं हो गई हूँ फटाफट से रेडी और बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। और बस अभी हस्बैंड आने वाले हैं, बस उन्हीं का वेट हो रहा है और ये सारा अभी तक का डेकोर है। हस्बैंड आ जाए फिर उनका रिएक्शन लेते हैं कि उनको कैसा लगता है सरप्राइज़। मेरे से जितना हो सका है मैंने उतना किया है, तो अब देखते हैं कि उनको कैसा लगता है। और ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। इर्तज़ा को मैंने सुला दिया था ताकि मैं आराम से तैयार भी हो सकूँ और काम भी कर सकूँ, तो अब ये उठने वाले हैं। जी तो हम दोनों माँ बेटा रेडी होके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं हस्बैंड को, वो आ जाए तो फिर उनको सरप्राइज़ देते हैं। इर्तज़ा डोंट डू दिस, ये आप पीछे डेकोर देख सकते हैं, फाइनल है, बस कैंडल्स ब्लो करनी है, बाकी सब ओके। इर्तज़ा के पापा आ गए, इतनी लेट क्यों आए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी एनिवर्सरी मेरे। अंदर तो आ जाए। मैंने नहीं आना। यार चलो। यार ये क्या है? ये आपका गिफ्ट है। ये आपकी मिठाई है। यार थैंक यू सो मच जानू, थैंक यू। गाइस सरप्राइज़ मैंने इनको देना था और इन्होंने मुझे उल्टा सरप्राइज़ दे दिया। ये देखे A heart speed to the city streets, we
begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. सरप्राइज डन और अब हम खाने लगे हैं खाना. खाना खा के फिर ये सैरी हो रही है तकरीबन, तो सैरी करके फिर हम सोते हैं. उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. छोटा सा सरप्राइज़ था जो कि मेरे पे ही उल्टा पड़ गया. उल्टा मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया. सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़.